ताजा मामला ललितपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां एक यात्री की शिकायत पर सुबह पटना इंदौर एक्सप्रेस स्लीपर कोच में फर्जी टीसी को अवैध पैसों की मांग करते हुए पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर आरपीएफ ने बताया कि यह यात्री पैसे लेकर सीट दे रहा था। स्लीपर क्लास में सीट के लिए एक यात्री से फर्जी टीसी ने रुपयों की मांग की तो यात्री ने इसकी शिकायत आरपीएफ से कर दी। ट्रेन जाने के बाद वह ललितपुर स्टेशन पर उतर गया और बाहर जाने लगा, लेकिन आरपीएफ ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ पर उसने बताया कि वह ट्रेन में सफाई सुपरवाइजर का काम प्राइवेट कंपनी में कर रहा था। टेंडर खत्म होने के बाद वह पैसों के लिए यह कार्य करने लगा। आरोपी के पास से 550 रुपए भी बरामद किए गए हैं। आरपीएफ की यह लगातार तीसरी कार्यवाही है, जिसमें पहले भी एक फर्जी टीसी और एक फर्जी पुलिसकर्मी पकड़ा गया था। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।